प्रदेश के गौठानों में गौवंश की लगातार हो रही मौत को लेकर सत्ता पक्ष एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गया है। जांजगीर जिले में पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत भैंसों में कई गौवंश की मौत हुई है, जिसकी शिकायत मिलने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गौठान पहुंचे और मवेशियों के शव देखकर उन्होंने प्रदेश सरकार को कोसते हुए सरकार की खिलाफत करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौठानों में गौवंश की मौत होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चारा पानी के अभाव में मवेशी लगातार दम तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। जांजगीर जिले में पामगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत भैंसों में संचालित गौठान में कई मवेशियों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलने पर विपक्ष के नेता नारायण चंदेल गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कई मवेशियों के शव इधर उधर पड़े मिले। इधर इस दृश्य को दुर्भाग्यजनक करार देते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि एक तरफ सरकार गौठान योजना का मॉडल के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार गौवंश की मौत हो रही है। मवेशियों के लिए ना तो चारे की व्यवस्था है और ना ही पानी की, इतना ही नहीं उनके लिए शेड की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। सभा जिसको पारित करती है उसको गौठान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों को आपने गौठान समिति का अध्यक्ष बना दिया। गौठान में किस प्रकार की राजनीति है? छत्तीसगढ़ की यह भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार, हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन आज गौ माताएं अगर खत्म हुई है तो इस हत्या का दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।